इटावा जनपद में हो रही हाईवे पर लूट की घटनाओं को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बकेवर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बकेवर पुलिस ने 7 मार्च 2018 को बाइक से जा रहे पति पत्नी को कुछ लुटेरों ने गाड़ी को रोककर घटना को अंजाम दिया था। इसी घटना की तलाश में बकेवर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सुनबरसा के पुल पर कुछ लुटेरे लूट की योजना बना रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया है। 2 तमंचा, 5 कारतूस, 1 बजाज डिस्कवर सहित लूट का सामान बरामद किया है। पकड़े गए सभी लुटेरों पर कई थानों में लूट के मामले दर्ज है। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी को देखते हुए इटावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 5,000 का इनाम देने की घोषणा की है। इटावा से संजीव कुमार की रिपोर्ट, SKH न्यूज। देखिए, ये जनपद में एक अभियान चल रहा है जिसमें लुटेरे और जो नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं के खिलाफ कार्रवाई सख्त की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक सूचना आई हुई थी कि कुछ लुटेरे एक गंभीर अपराध कारित करने जा रहे हैं हाईवे पर, जिसमें इनको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से तमाम नाजायज हथियार बरामद हुए हैं। इंटरोगेशन के दौरान ये भी मालूम हुआ कि इन्होंने 7 तारीख को एक घटना कारित की थी हाईवे पर, जिसमें एक दंपति के जो मोटरसाइकिल से जा रहा था उसमें उसके ऑर्नामेंट्स वगैरह लूट लिए थे और उसको चोट भी पहुंची थी। इसमें 394 ITC के आरोप में पंजीकृत हुआ था। उस लूट से संबंधित समस्त माल भी बरामद हो गए हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि ये अच्छे क्रिमिनल्स हैं, जिसमें इनके 8 अपराधी के इतिहास से लेकर 18 तक की संख्या तक के इनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं और ये आसपास के जनपदों में भी अपराध कारित किए। कुछ इनके पूछताछ की कुछ चीजें मिली हुई हैं जिसको हम लोगों ने डेवलप करने के लिए कुछ टीमों को भेजा हुआ है और उसमें जो भी आगे विकसित होती है सूचना है उस पर कार्य होता है, हम फिर आपको अपडेट करेंगे। सरगना इनका जो है आपका पिंकी उर्फ सौरभ जो आपके नोटशीट में 3 नंबर पर इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस को कुछ इनाम भी दिया गया है। चूंकि ये पुलिस ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे क्रिमिनल्स को पकड़ा है, तो मेरी तरफ से इनको 5,000 का नगद पुरस्कार भी दिया गया।